नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। बिजली मंत्री ने रविवार को जिला के विभिन्न गांवों में किया धन्यवादी दौरा। गांव नाथुसरी में ग्रामीणों ने किया अभिनंदन। अभिनंदन समारोह के बाद मीडिया से हुए रूबरू। नाथुसरी चोपटा में स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता से किया जाएगा हल। प्रदेश में सौर ऊर्जा को दिया जाएगा बढ़ावा। हरियाणा में 2700 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य 1 साल से पहले ही कर लिया जाएगा पूरा। चोपटा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के पंप लगवाकर किया जाएगा सेम की समस्या का निदान। ढानियों में भी लाइट के लिए किया जाएगा सौर ऊर्जा का प्रयोग। नागरिकता संशोधन बिल का किया समर्थन। सरकार ने देश के हित में लिया है फैसला। धान की फिजिकल वेरिफिकेशन पर बिजली मंत्री का बड़ा बयान। बॉडी कैमरों से फिजिकल वेरिफिकेशन से आएगी पारदर्शिता। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी हलके मेरे हैं और विकास के मामलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव व समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चौधरी रंजीत सिंह रविवार को अपने धन्यवादी दौरे के दौरान जिला के गाँव नाथुसरी चोपटा, मंगाला, टिटूखेड़ा, ढानी, काहन सिंह में आयोजित अभिनंदन समारोह में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। अपने दौरे की शुरुआत में नाथुसरी गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने चौधरी रंजीत सिंह का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सीवरेज, चिकित्सा, सड़क, बस सुविधा जैसी समस्याएं रखी, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। दो तीन तो इनकी जरूरी बातें हैं, तहसीलदार, बीडीओ, इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, बाकी तो जनरल सब गांव की सारी समस्याएं होती हैं, और एक चोपटा में सीवर का, तो ये काम इन्होंने कहा है, मैं इन्हें लेके प्रॉपर चैनल से जितना जल्दी होगा मैं करवाऊंगा। सेम की बड़ी समस्या है सेम की भी है बड़ा, ये नहीं है कि ये अभी नोटिस में आई है, पहले भी नोटिस में आई है और मेरे ख्याल में इससे पहले वाले लोगों ने करी है। मैं इस पर पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए कहता अगर सौर ऊर्जा से ये काम होगा तो तुरंत शुरू करवा दूंगा, फिर इसमें देर लगेगी नहीं। ऐसा जी, ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 1,00,000 मेगावाट उन्होंने पूरे देश में देना कराया, जिसमें हरियाणा पॉपुलेशन के हिसाब से जोग्राफिकली हमें कुछ 2700 मेगावाट आता है, जिसे हमने 1 साल के टारगेट में करना, हम 1 साल से पहले इसे पूरा कर रहे हैं। हम काफ़ी तो इससे है जो न्यू रेनेबल एनर्जी है इसी से इसको करेंगे, और बाकी कहीं रहेगी तो पोल से भी होगा, पर इससे जल्दी करेंगे। नहीं कर पा रहे, जैसे बकरियां वाली का अटका हुआ है। नहीं, अब शुरू करवा दूंगा जी, जो रुके हुए इस तरीके के, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई कोर्ट मैटर्स हैं तो वो तो दूसरी बातें हैं, पर खाली अगर विभाग के कोई लापरवाही से रुका हुआ है या नहीं उसे देखा जा रहा है या ठीक तरीके से फॉलोअप नहीं करा गया, उन्हें मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरा देश में सवाल हो रहा है, हरियाणा प्रदेश में देखें इससे क्या फायदा होगा? लोकसभा विधायकों पास देखिए, एक फैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया, जिसके हम साथ पार्टनर हैं, हम सरकार के अंदर हैं, हम सरकार के साथ हैं, जो भी डिसीजन हुआ है उन्होंने ठीक करा है। ये तो कुछ लोग हैं जो ओबीसी जैसों की स्टेटमेंट आती रहती है, उनको कोई देश सुनता भी नहीं। तो सब धान की खरीद को लेकर के विपक्ष द्वारा लगातार घोटाले का आरोप लगाया, हालांकि सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए दिया, इस पर हाँ दे दिया, वो भी आ गया, कुछ के साथ कैमरे अटैच होके वो होगा, तो लोगों के सामने सारी बातें सामने आ जाएगी, पारदर्शिता रहेगी। निश्चित रूप से होगा जी, निश्चित रूप से।